एक उंगली से कैसे घुमा रहे हैं भाई? अच्छा अभी देखो ट्रॉली। अच्छा हम काट के दिखाऊंगे इस पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये है आईसर 242 पावर स्टीयरिंग मॉडल है दोस्तों, और ये जो कस्टमर है मलकपुर गांव में ट्रैक्टर गया है, नया ही ट्रैक्टर है, अभी कुछ दिन पहले ही गया था ये। तो इसका जो है कस्टमर टेस्टिमोनियल करते हैं, इन किसान भाई से जानकारी लेते हैं कैसा चल रहा है ट्रैक्टर। ये पावर स्टीयरिंग मॉडल है, ये दरअसल एजेंसी पे बंद कर दो, कुछ काम कराने के लिए आए थे। ये देखिए सुपर प्लस की बैजिंग है यहाँ पे, पावर स्टीयरिंग मॉडल है, दोनों साइड में रहती है। और बहुत भाई तो कमेंट में करते हैं, काफ़ी डिलीवरी हो चुकी है यहाँ से सुपर प्लस मतलब पावर स्टीयरिंग की 242 की, कि पावर स्टीयरिंग तो है ही नहीं इसमें। तो इनसे बात करते हैं, आज यही बताऊँगा आपको किसान भाई के पावर स्टीयरिंग है नहीं है। एक बार आपको पीछे से दिखा दूँ, ये ट्रॉली में चलता है ट्रैक्टर। ये देखिए ऑयल भी डला है ना थोड़ा सा यहाँ पे, तो वाल में इनका कुछ काम वाम था। तो एक तो भैया अपना नाम बताओ पहले। फुरकान चौधरी। थोड़ा जोर से बोलो। फुरकान चौधरी। फुरकान चौधरी। गांव आपका? मलकपुर। तो ये ट्रैक्टर आप कितने दिन पहले लेकर गए थे? डेढ़ महीना हो गया। थोड़ा जोर से क्या? डेढ़ महीना हो लिया। अच्छा, और कहीं में चला रहे हो इसे? मिट्टी में चला रहे, डंपर पे। मिट्टी में। तो ये जो है आपने पावर स्टीयरिंग मॉडल है जी जी। एक तो पहले ये बता दो कि कुछ भाई ऐसे हैं, वैसे वे दूर के होंगे, बिहार बिहार की साइड के, उन्हें विश्वास नहीं आता कि 242 में पावर स्टीयरिंग भी आवे। आवे पावर स्टीयरिंग आवे। ये किसान ही है, पावर स्टीयरिंग है ट्रैक्टर में? हाँ है। इन्हें स्टार्ट करके दिखाऊंगे एक बार चला के, बाद में दिखाऊंगे। तो पावर स्टीयरिंग की क्या क्या जरूरत पड़ी आपको उस पे? बस वो ज्यादा वैसा जो ज्यादा था वो घुमाने में करडा कटा था, इसने तो बड़ी से उस पे घुमा ला अंगली भी। एक अंगड़ी पे घूम जा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जोर वोर कैसे लगा हुआ ट्रैक्टर ये? जोर तो पूछे ना कुछ, बड़ों की भी ऐसी तैसी कर रहा। बड़े ट्रैक्टर की भी? अच्छा कितने घंटे चल गया होगा लगभग? यो 36 घंटे चल गया होगा। 36-37 घंटे। 36-37 घंटे, मतलब अभी तक पहली सर्विस भी इसकी नहीं हुई है? नहीं पहली सर्विस। तो आपको कुछ दिक्कत लगी इसके पावर स्टीयरिंग में कुछ अभी? नहीं कुछ नहीं लगी। ट्रैक्टर में कोई दिक्कत? ना ना। देखो एक बात बताओ, जो भी बात पूछ रहा हूँ आपसे बिल्कुल जानवर बताना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि ये वीडियो किसानों का फायदा होगा, किसान देखते हैं। किसान भाई नहीं, नहीं, कोई दिक्कत ट्रैक्टर नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टीयरिंग से संतुष्ट हो? बाकी इसके इतने अंगे नहीं, कोई भी ट्रैक्टर लगाता जोर ज्यादा लगा हुआ है। ऐसा 265 से भी ज्यादा जोर लगाते हैं? अच्छा देखो ट्रॉली। अच्छा हम काट के दिखाऊंगे इसका। अच्छा 75 की भी ज्यादा ट्रॉली वहाँ भी काट दूंगा मैं। इस पे इतना विश्वास है? इतना विश्वास होगा मुझे। हाँ बैकअप टॉर्क वैसे हाई होता है, जैसे एक सिलेंडर ट्रैक्टर है। तो कैसे में खरीदा था आपने या उसमें फाइनेंस पे लिया था? फाइनेंस पे था। फाइनेंस करवाया था। अच्छा एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाओ और इसका पावर स्टीयरिंग जो है घुमा के दिखाओ, लोगों को विश्वास नहीं आता कि पावर स्टीयरिंग है नहीं है। ये देखो दोस्तों खड़ा हुआ घूम रहा है ट्रैक्टर, तो जो मैनुअल स्टीयरिंग होगा वो तो उसका तो घूमने का मतलब ही नहीं है। एक उंगली से घूम रहा है भाई, एक अंगड़ी लगा रखी भाई ने बिल्कुल। इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं होता, ये देखो एक उंगली से कैसे घुमा रहे हैं भाई। और सिलो में ही चल रहा बिल्कुल है। अजी वाह, हाँ घुमाओ एक बार। मिट्टी खोदती है दोस्तों टायर के नीचे से। बस 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 बंद कर दो। तो बिल्कुल संतुष्ट हो ट्रैक्टर से? हाँ जी। पावर स्टीयरिंग से भी? हाँ जी। जैसे कि इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं है, कुछ अलग मैकेनिज्म है इसका पावर स्टीयरिंग का। तो कोई दिक्कत नहीं? ना, 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 कोई दिक्कत महसूस नहीं कुछ भी? ना, कुछ नहीं महसूस है मतलब। तो ये जो है मलकपुर से है, इनकी जो वीडियो बन नहीं पाई थी दोस्तों, पता नहीं हो सकता है मैं शायद उस दिन ना आया हूँ यहाँ पे डीलरशिप पे, तो ये सर इसकी वाल लगवाने के लिए आए थे। बेहतरीन बता रहे हैं यार, जो भाई कह रहे हैं ना कि पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो आपको दिखा दिया प्रूफ के साथ में पावर स्टीयरिंग है नहीं है। धन्यवाद।